एवरीवन, हैप्पी खरना। तो कल था नहाए खाए और आज है खरना। तो ऐसे खरना का तो हम लोग यहाँ पे है बाहर है, इधर पे तो खरना है, ऐसे कुछ कर नहीं रहे। जो प्रसाद वरसाद चढ़ता है ना, खीर पूड़ी वो सब तो नहीं हो रहा है। नॉर्मल फल वगैरह से जो भी पूजा होगा वैसा होगा। तो फिर जा करके फिर भी बहुत मज़ा आता है, छठ पूजा आता है तो एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है। सो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ दाल, यहाँ पे है भुजिया और चावल। सो अभी तक मेड नहीं आई है, अब बहुत टाइम हो गया तो अब सोची चलो कढ़ाई मैं माँज लेती हूँ और तब जल्दी बना लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो फटाफट मैं माँज के आती हूँ। तो मेरा है कढ़ाई गंदा है तो फटाफट धो लेती हूँ उसे। सो गाइज, मेरा कढ़ाई धुला चुका है एंड फटाफट मैं बनाती हूँ खाना। एंड बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो गया है, वापस सर्दी फटने लगा। अभी अपने आप को बहुत बचा के रखना होगा। तो यहाँ पे लग रहा है गुटली को तेल, वो बहुत आराम से मज़ा लेगी तेल लगाने का। यहाँ पे बना रही हूँ मैं भुजिया और यहाँ पे चढ़ा हुआ है दाल। उसके बाद में जब दाल हो जाएगा उसके बाद में बनाऊंगी मैं चावल। सो गाइस, हमारा खाना पीना भी हो गया, सब कुछ हो गया। और ये और पापा जी लोग गए खरना का सामान वगैरह लेकर आने। और यहाँ पे माँ हो रही तैयार, आपको दिखाते हैं। सो यहाँ पे चल रहा है कार्यक्रम, एकदम परफेक्ट होने का, एकदम सजने सवरने का कार्यक्रम चल रहा है। सो माँ को करेंगे हम लोग ब्लीच बाहर बैठ के, और बाहर धूप। ब्रश तो ब्रश ले ले रही हूँ क्योंकि ब्लीच लगूंगी, हाथ से नहीं लगूंगी, ब्रश से एकदम पता। सो गाइज, यहाँ पे है फेम जो आता है ना, फेम ब्रांड का ब्लीच, वो वाली ब्लीच है। तो फटाफट ब्लीच लगाते हैं, पहले अच्छे से हम लोग मिला लेंगे तब अच्छा हम दिख रहे हैं। तो आज मैं करूँगी यहाँ पे ट्रीटमेंट, एकदम हाई फाई स्टैंडर्ड मेकअप आर्टिस्ट बनेगी आज पार्लर वाली। सो गाइस, हम एक बहुत फनी सा क्वेश्चन कर रहे थे, एक तो तू खा रहे तो दर्द तो हो गई, तो और अब पूछते दर्द हो रहा है तो वहाँ बोलते थोड़ा थोड़ा, तो ये तो एकदम नॉर्मल सा बात है, दर्द तो हो गई। यहाँ पे माँ का आईब्रो हम कर दिए एकदम परफेक्ट, देखिए यार पार्लर में जाने का जरूरत नहीं पड़ा, पैसा बचा दिए एकदम। सो अगर आप लोग को आता है मेकअप वगैरह और फेशियल वगैरह बहुत सारा चीज़, तो काफ़ी पैसा बच सकता है घर में, जो कि हम लोगों का थोड़ा थोड़ा कभी कभी बच जाता है। फिर भी हम खुद ही, मेरा उतना ज़्यादा आईब्रो है नहीं कि आईब्रो बनाना पड़े, और फेशियल हम मैं तो खुद से ही कर लेती हूँ फेशियल। कभी कभी अगर कभी क्या, अभी तक एक ही बार मैं तो अपना शादी में भी फेशियल नहीं की थी, मैं एक ही बार फेशियल करवाई, वो भी मेरे ननद का एंगेजमेंट में करवाई थी। गाइस, यहाँ पे माँ का ब्लीच हो गया एकदम कंप्लीट हो गया, पैसा बचा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे अब अल्ता, उसके बाद में ये एक हाथ में लाल एक हाथ में काला देख सकते हैं। तो मैं तो इतना दिन वाला रखा हुआ मेहंदी लगाई इसलिए लाल नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। पीछे वाला तो ले बढ़ा गया, देख रही है उसे पानी पी रहा है। उससे पहले नेल पॉलिश, उसके बाद में लगाएंगे अल्ता। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में, और हम लोग को लास्ट खरना का देखिए हमारा सब कुछ कैसे कैसे हम लोग किए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जोर शोर से तैयारी चल रहा है, यहाँ पे अल्ता लगाया जा रहा है, एकदम तैयार हो गया आज एकदम खरना पूजा के लिए बिंदास वाला तैयार। सो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो पे। सो यहाँ पे हमारा फाइनली अल्ता लग चुका है, एंड कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करिए। हम लोग अलग अलग डिजाइन का लगाए अल्ता। तो आज कुछ ज्यादा नहीं जल्दी खाना हो गया था, मैं दोबारा खाना बनाना पड़ रहा है, तो अभी हम लोग कुछ बनाने वाले हैं। हम लोग सोचे कि आलू गोभी का सब्जी बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा पनीर भी ऐड करेंगे, क्योंकि पनीर भी थोड़ा सा हम लोग के पास बच गया है, मतलब है इसीलिए, अब फिर खराब हो जाएगा तो हम लोग इसीलिए यूज कर। अब बहुत जल्दी आज हम लोग खाना खा लिए, आप भी अपने फेस दिखाइए। बहुत जल्दी आज हम लोग खाना खा लिए, मतलब 11:30 बज रहा था, और अभी फिर 2 बज रहे हैं, तो फिर भूख वूख लग रहा है, मतलब लग जाएगा 3 बजे तक, तो बनने में भी टाइम लगता है। तो हम लोग सोचे वही आलू गोभी दम बनाते हैं, तो चलिए थोड़ा ज्यादा ही बनाएंगे कि रात में भी काम चल जाए, है ना, काम बहुत चलाने लगी आज। एंड यहाँ पे आलू बॉईल हो चुका है हमारा, और ये यहाँ पे मसाला का तैयारी कर रहे हैं, दही वगैरह सब कुछ ऐड, क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज तो नहीं खा रहे हैं हम लोग। मैं बहुत अजीब लग रही हूँ, बहुत ठंडा लग रहा है, ठंडा से तो बचना पड़ेगा ना। गाइस, हम लोगों का सब्जी भी बन चुका है, और हम लोग बैठे हैं थोड़ा सा ये जालूड़ी खाने के लिए, और उसके बाद में आपको सुनाते हैं माँ का गाना। देखिए माँ गाना गा रही है, माँ अकेले है तो कोई माँ को साथ नहीं मिला, तो खुद ही मैं अकेले में गाना गा रही है, तो आप लोग को सुनाइए। वो भी गुडली को सुना रही है। इसीलिए कहते हैं कि छठ हमारे यहाँ कोई पर्व नहीं है, इमोशन है इमोशन।
और ये वाला छठ सब फैमिली को एक जोड़ने में, मतलब सब ये वाला पर्व ऐसा है कि सबको ना मिल के सब कुछ करते हैं। जितना लोग जो नहीं भी करने वाला होता है वो भी आता है करने के लिए कि नीम को करना है करना है, ऐसा होता है। तो होप सो कि अगले साल हम सबको एक घर पे मनाएंगे। सो यहाँ पे देखिए गुड्डी सो रही है, यहाँ पे ये सो रही है और यहाँ पे माँ हो रही है तैयार। देख रहे हैं माँ पूरा तैयार हो चुकी है। कैसा लग रहा है माँ का लुक आप लोग कमेंट करके बताइए। वहाँ पे भी प्रिपरेशन हो रहा है खरना का। यहाँ पे पूरा साफ सुथरा हो चुका है एकदम पोछ पाछ के, और यहाँ देखिए पूरा खरना पूजा का तैयारी है। फल वल धुला रहा है एकदम, वगैरह भी धुला रहा है। जींस पहन के तैयार, यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए हैं सामान लेकर। सो गाइस ऐसे मैं तैयार तो होने वाली नहीं थी क्योंकि मुझे ऐसे कुछ छूना तो नहीं था, लेकिन ठीक है मतलब माँ बोली और सबको बोला कि नहीं कुछ तैयार हो जाओ, तो मैं यहाँ पे तैयार हो गई। ये तो ड्रेस आप देख ही रहे जो मैं दिवाली में पहनी हुई हूँ। सो चलिए अब फाइनली पूजा का टाइम हो गया। यहाँ घर पे लाइट का बहुत ज़्यादा कमी है तो हम लोग सोचे कि रिंग लाइट भी लगा लेते हैं ताकि अच्छा क्वालिटी होगा, तब तो आप लोग को भी देखने में अच्छा लगेगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरा लुक, अब वहाँ पे देखिए चल रहा है पूजा का तैयारी। सब कोई थे बोले कि गुडली नहीं है, गुडली को भी यहाँ पे पूजा में शामिल करते थे, गुडली को ला के यहाँ पे सुला दी। ये भी सोच रही है कि मेरे को इधर से उधर सब कोई करते रहता है। गुडली का स्टार्ट हो गया फिर से, इसको पता चल गया कि हम लोग सब कोई पूजा में बिजी है तो इसका रोना स्टार्ट। हेलो, जूते खोल कर पूजा होता है वो हो गया है, तो अभी सबको घर पे बात कर रहा था, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि देखिए देखिए सबको किस कर रही है, ऐसे करिए, ये देखिए ऐसे कर रही है, देखिए देखिए कैसे कर रही है, हम मेरे उधर दिखा रही देखिए घर से। तो गाइस फाइनली हमारा खरना पूजा भी हो गया है। सो यहाँ पे हम लोग माँ का बेड का तैयारी कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, तो ये हम गद्दा बिछाएंगे नीचे, उसके बाद माँ इसी में आज से सोएगी। मत पकड़िए आप अकेले हैं।
गाइस, फाइनली आज का हमारा यही वीडियो था खरना का। सो हैप्पी करना, हैप्पी करना, और हमारी वीडियो को देखते रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। और खत्म करने से पहले सबको एक बार बोलिए, बोलिए बोलो छठी मैया की जय। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय हो छठी मैया।